देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से पेमेंट और रिसीव की एंट्री हम लोग कर सकते हैं। देखिए पेमेंट का मतलब वो होता है किसी को पैसा देना, और रिसीव का मतलब ये कर जाओ, रिसीव का मतलब होता है किसी से पैसा लेना। अब दो तरीके की तो ट्रांजेक्शन होती है, तो पैसा जाता है और पैसा आता है, दो ही वे। या तो हम किसी को सैलरी देते हैं, हाँ देखो लड़के सन्नी नाम का लड़का अंदर बैठा, उसको बुला लो। देखिए आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो हम लोग पेमेंट और रिसीव के बारे में सीख रहे थे। पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसा देना, और रिसीव का मतलब होता है किसी से पैसा लेना। अब यहाँ पर हमने एक टॉपिक अनेबल करा पेमेंट। क्या मतलब पेमेंट? मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ। पेमेंट क्या मतलब? देखो डेबिट मीन के डेबिट के आपके तीन मतलब होते हैं। पहला डेबिट वास कम और क्रेडिट वास गे आउट गो आउट। मतलब जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करो और जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करो। जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करो और जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करो। जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करो, जो चीज़ जाएगी क्रेडिट। सिंपल सा फंडा ये है। जैसे कोई आपको पैसा देता है तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो क्या बढ़िया आएगा? कैश बढ़ेगा। तो कैश डेबिट करोगे, जिसके पास ज़्यादा उसको क्रेडिट करोगे। आप कोई आइटम खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कोई आइटम खरीद रहे हो तो आपके पास क्या आएगा? आइटम आएगी तो आइटम बढ़ जाएगी और कैश कम हो जाएगा। ऐसे ही जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करो और जो चीज़ आएगी उसको क्रेडिट करो। मतलब जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करो एंड जो चीज़ आ रही है उसको क्रेडिट करो। जैसे अब ये पहले डेफिनेशन होगी। दूसरा मतलब होता है सारे खर्चे डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। सारी इनकम को क्रेडिट करो और सारे खर्चों को डेबिट करो। तो हमने बात करी पेमेंट की। हमने बोला हमारे पास से ऑफिस रेंट जा रहा है, कितने का? 15,000 रुपये। तो पैसा खर्चा है ये, तो हमारा क्या है? हमारा खर्चा। तो खर्चा क्या हो गया? हमारा डेबिट हो गया। और क्या चीज़ हमारी क्या हो गई? क्रेडिट। क्रेडिट ये क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। क्लियर? इसलिए क्रेडिट हो गई। क्लियर है? अब मैंने सैलरी दी। सैलरी क्या है हमारे लिए? सैलरी हमारे लिए खर्चा है ना, तो किसमें जाएगा? हमारे इनकम एक्सपेंस इनडायरेक्ट एडमिन के अंदर। किसके अंदर जाएगा? एक्सपेंस इनडायरेक्ट एडमिन के अंदर। किसके अंदर जाएगा? एक्सपेंस इनडायरेक्ट एडमिन के अंदर। आगे कितना? 5,000 रुपये। और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? बहुत से लड़के कहते हैं सर हम किसको सैलरी दे रहे हैं, देन मुझे आप बताइए ना हम किसको सैलरी दे रहे हैं, आप मुझे इसका नाम तो बताइए। हेलो, हाँ जी, हाँ सर बनाते, मैं आपको 2 मिनट में बोलूँगा, इसलिए मैं क्लास देता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको 2 मिनट में बोलूँगा। क्लियर है? बहुत से लोग कहते हैं किसको सैलरी देन, यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? सैलरी, सैलरी पेड बाय, जिसका नाम डाल दो अनिल चौधरी, ठीक है? अकाउंट मैनेजर जो भी आपको डालना है वो डाल के आप यहाँ पर सेव। क्लियर है? तो आप इस तरीके की कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है? अब मैंने सैलरी दी, लेकिन सैलरी ने जब दे रहा था तो उसने कहा सर मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। तो हम लोग बोलते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। आप किससे पैसा दे रहे हैं? बैंक से। तो क्या आपने बैंक बना रखा है यहाँ पर? नहीं, तो क्या कीजिए? FD से बनाइए, डाल दीजिए बैंक। जब आप बैंक बनाएंगे तो ऐसे नहीं करके बनाएंगे आप लोग, आप लोगों को पूरा नेम मेंशन करना है PNB बैंक अकाउंट, और ग्रुप में आप उसका अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दो। क्लियर है? और साथ साथ अब ये तो फुल नेम हो गया, शायद में डाल दो शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम घर में होता ना एक निक नेम, एलियाज नेम, कमल, K2, छोटे छोटे नेम रख देते हैं लोग, पिट नेम बना देते हैं किसी का भी, और इसका नाम सूरज, लोग उसको सन्नी बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म होती है ना घर की, या किसी को चढ़ाने के लिए कोई नाम रख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तो आप यहाँ डाल सकते हैं। देन मैंने क्या डाल दिया? अब बैंक के तो ग्रुप में क्या जाएगा? तो आप ये डाल दीजिए। अब मैं बैंक से पैसा कर रहा हूँ तो मैं PNB लिखूंगा, देखिए नाम अपने आप हो जाएगा। जब जब किसी को पैसा देंगे तो साथ में हम लोगों को क्या लिखना होता है? चेक नंबर। तो साथ में हम लोग क्या लिख देंगे? चेक नंबर। इसको हम क्या कर देंगे? कल को कोई मुझे पैसा देगा तो रिसीव करेंगे। आप रिसीव करेंगे, देखो सी आ गया। क्या आ गया? हमारा सी। क्या आ गया? सी।
क्यों? क्योंकि जब किसी को पैसा देते हैं तो वो डेबिट होता है, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। जब हमारे पास जिसके पास से पैसा जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो आपका क्रेडिट। तो अपने माइंड में एक सेटअप करना है सर, किस चीज़ का सेटअप, कि जब यहाँ हम सी लिखेंगे इसका मतलब उसके पास से कैसा जा रहा है। दूसरा अपना माइंड सेट ये कर लेना कि जब भी मैं किसी को पैसा दूं या किसी से पैसा लूं तो दोनों सिचुएशन में पार्टी का नाम ऊपर डालना है। क्यों? क्योंकि बीसी ऑटोमेटिक सीओडी को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? बीसी सीओडी को ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। देन यहाँ से आप इसको कर देना। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आगे समझ में कर सकते हैं इसको, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी तरीके की कर लेंगे आप लोग। देन मैंने बोला मुझे बीसी इंफ्रास्ट्रक्चर 1,00,000 रुपये दे रहा है। किससे दे रहा है? मैंने बोला मुझे ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और साथ साथ हमें इसका चेक नंबर, ठीक है, हमें यहाँ पर साथ साथ शो करना है। हाँ, कहीं भी लिख दो यार। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आगे समझ में? अब सर ये तो सिंपल एंट्री थी। अब अगर कोई बात है हमें पैसा देना है तो उसका नाम डाले, नीचे कैश रो बैंक डाल के सेव कर दें। सर जब कोई अकाउंट हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जाता है, तो सर उसके दो तरीके, एक तो लोग बोलते हैं RTGS, एक बोलते हैं NFT। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब क्या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब बोल सकते हैं हम इसको RTGS। हाँ, रियल टाइम, रियल टाइम जब होती है जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 लैक्स होती है। क्या होती है? आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 लैक्स होती है। आगे तो नहीं होगी, तो वैल्यू ग्रेटर देन 3 लैक्स होती है तब इसका आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक होती है सर NEFT, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्या होती है ये? लेस, ये क्या होती है आपकी, ये लेस देन होती है। ऊपर लेस देन का सिंबल लगा दिया, लेस देन होता है और ग्रेटर देन का क्लियर है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कुछ भी नहीं है यार, सिंपल है, बस साथ में यहाँ नाम लिखना है। उसने कहा मैंने आपके अकाउंट में 10,00,000 रुपए की RTGS करा दी, देन बस कुछ नहीं करना, नरेशन में RTGS डाल के सोल्व देना है। हमें क्या करना, पैसा तो हमारे पास आ रहा है ना, पैसा आएगा तो बस एंट्री करनी, नरेशन में शो कर दो ये हमारी RTGS NFT है, कुछ भी हो इस तरह आपको यहाँ से शो कर देना। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आगे समझ में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। वो तो पेमेंट का पार्ट है ना, और जब पेमेंट की बात करेंगे तो खर्चा किस में जाता है? सारा जो भी खर्चा होता है ना, वो खर्चा जाता है हमारा एक्सपेंस एंड डायरेक्ट। किसमें जाता है हमारा सारा खर्चा? एक्सपेंस एंड डायरेक्ट। इसमें जाता है हमारा सारा खर्चा? एक्सपेंस एंड डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम है? ये आपकी बेसिक थ्योरी थी जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरीके से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आज आपके बाद पेमेंट रिसीव आप लोग कर लेंगे। किसी को दिक्कत है? दोनों को हो जाएगी पेमेंट रिसीव। तो आप इस तरीके से आप लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।